फ्रेशमाइंड आईपीओ में अप्लाई किया है या एक्स वाई जेड कोर्स भी कंपनी में अप्लाई करने वाले हैं, तो वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, और ऐसा क्या करें कि आने वाले टाइम में जो भी आईपीओ आए आपको हो सकता है उसके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो कंपेयर टू जो आपने वो गलतियां की है। हो सकता है कुछ हम में से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो और उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको उस पूरी जानकारी देंगे। तो उससे पहले ये रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों कि अभी भी यहाँ पे डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है एंजल ब्रोकिंग में। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो कर लीजिए फ्री में, और अगर आप किसी और कंपनी में जैसे एलएस ब्लू या फिर आस्था में भी अप्लाई ओपन कराना चाहते हैं वहां पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे भी कर सकते हैं, वहां पे भी फ्री में ओपन हो रहा है, तो आप चाहे तो एंजल ब्रोकिंग में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने जो जैसे कि मैंने बताया कि आईपीओ में अप्लाई किया है तो उसके कई मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हो, और उसके रीजन बस कुछ ही रीजन है और हम में से बहुत सारे वो रीजन लोग जानते भी हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मैं वन बाय वन कुछ रीजन मैं बता दूंगा जिसकी वजह से आपने क्या क्या गलतियां की है। देखिए आपने बहुत सारे लोगों ने एक गलती जरूर की होगी, वो गलती ये किया होगी कि आप लोगों के पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होंगे और आपके सेम पैन नंबर पर मल्टीपल डीमैट अकाउंट होंगे, यानी कि आपने जैसा कि एंजल ब्रोकिंग में भी ओपन करा रखा है, आपने जरोधा में भी ओपन करा रखा है, और आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी में एलआईसी ब्लू में भी करा रखा है। तो लेकिन देखिए डीमैट अकाउंट ओपन कराने में मल्टीपल कोई भी बुराई नहीं है, आप डीमैट अकाउंट मल्टीपल ओपन क्या मतलब जितना चाहे उतना भी रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है आईपीओ की, आईपीओ अप्लाई करने की, तो अगर आपका आपने ये ध्यान दिया होगा कि आपने जहां पे भी डीमैट अकाउंट ओपन कराया है वहां पे आपका पैन नंबर और आधार कार्ड सेम है, लेकिन आईपीओ के लिए सिर्फ पैन नंबर ही लिया जाता है। ठीक है, तो आपने जहां पे भी अगर मल्टीपल अलग अलग डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन डाली होंगी, सपोज आपने जरोदा से भी डाला है, सपोज आपने जो है एलआईसी ब्लू से भी डाला है, सपोज आपने उससे भी डाला है क्या नाम है एंजल ब्रोकिंग से, तो आपकी एप्लीकेशन वहां पे 100% रिजेक्ट हो गई होगी। वो किस लिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम डीमैट अकाउंट से आप सेम पैन नंबर से अगर डीमैट अकाउंट आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा 99% हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला बड़ा इशू है, लेकिन दूसरा इसका बचने का तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से अलग अलग पैन कार्ड होने चाहिए। ठीक है, वो आपका ब्रदर का हो सकता है, आपके सिस्टर का हो सकता है, आपकी वाइफ का हो सकता है, या आपकी मदर का हो सकता है, या फादर का हो सकता है, आप उनके नाम पे अप्लाई करिए। ठीक है, आपके उससे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो एक नंबर वन गलती है। देखिए दूसरी गलती मैं आपको बता रहा हूं, जो आईपीओ होता है, ठीक है, ये तो वो तो मैंने रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बता दी। दूसरी गलती ये एक्चुअली क्या होती है, थोड़ी सी ये गलती नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि लक बाई चांस, जैसे कि ओवर सब्सक्राइब हो गया इशू, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में, या फिर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि जो आईपीओ बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल पैन नंबर नहीं है, मतलब घर के अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करें। क्यों अवॉइड करें उसके, क्योंकि वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन होने के चांस ज्यादा होंगे, जिस तरह से आपने हैप्पीएस्ट माइंड में देखा, तो वहां पे आप थोड़ा सा वेट करें और दूसरे उसके लिए देखें फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। और तीसरा जो है कि एक ये गलती होती है यूजर की तरफ से, वो कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, जो बिडिंग प्राइस है वो बिडिंग प्राइस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हैप्पीएस्ट माइंड का 165 से 166 के बीच में था, और एक ऑप्शन ये होता है कट ऑफ प्राइस ये होता है कि मतलब अगर उससे ऊपर की बिड लगनी शुरू हो गई, जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है कि बिडिंग उसके ऊपर से लगनी शुरू हो जाती है, तो बेस क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे जिन लोगों ने कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट नहीं किया होगा उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई होगी। ठीक है, और देखिए ये तो मैं बता चुका हूं कि आप जो है जो बचने का तरीका ये है कि आप क्या करें, आप हमेशा कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करें, उस पर टिक करें। सेम अगर एक पैन कार्ड है तो आप एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करें,
या उसमें आप लॉट मल्टीपल लॉट डाल सकते हैं, आप 10 लॉट 50 लॉट जितने भी लॉट आप डालना चाहें, या मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए तक का अमाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। HNI इन्वेस्टर से 2 लाख से ऊपर का कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2 लाख रुपए तक का अमाउंट का आप जो है एक पैन नंबर से वन टाइम ही अप्लाई करें। अगर आपने दोबारा दूसरे डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर दिया सेम पैन नंबर से, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ये मान के चलिए, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब आप अगर दूसरे डीमैट अकाउंट से करना है तो आप किसी फैमिली मेंबर के नाम से आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरा ये है कि आपको हमेशा जो है कट ऑफ प्राइस ही आपको चूज करना है, जिस तरह से ये हुआ था, देखिए ब्लॉक हो गया है, कुछ लोगों का पैसा नहीं आया, मैंने बताया, और आप यहाँ पे ये मेल डाल सकते हैं, और ये अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये उन लोगों की तरफ से आप यहाँ पे मेल डाल सकते हैं, ये हैप्पीस्ट माइंड के लिए एक्चुअली, और ये टोल फ्री नंबर है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको ये जानकारी कैसी लगी है, और ये आप हमें लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे से आप ध्यान रखिएगा, और आगे से ध्यान रखिए इसलिए कि मतलब जो मैंने गलतियां आपने की हैं वो